नास्रिन एक्ट्रेसेस फिल्मों में और अपनी पब्लिक लाइफ में ऐसी ऐसी हरकतें करती हैं कि वो अपने फैंस के सामने बिल्कुल नंगी होकर रह जाती हैं। जैसे अक्सर ही एक्ट्रेसेस किसी इंटरव्यू के दौरान या फिर प्रमोशन के दौरान अपने साथी कोलीग्स के साथ पब्लिकली किस करती हैं। ये सब देखकर आम लोगों को लगने लगता है कि वो किसी के साथ भी ये सब कर सकती हैं। और जब वो पब्लिक प्लेस पर निकलती हैं तो लोग फिर जहां उनके साथ तस्वीरें लेते हैं तो वहीं कुछ लोग मौके का फायदा उठाकर उनकी बॉडी को या फिर प्राइवेट पार्ट्स को भी टच करने की कोशिश करते हैं। आज के वीडियो में हम आपको बॉलीवुड की उन एक्ट्रेसेस के बारे में बताएंगे जिन्हें लोगों ने पब्लिकली अपनी हवस का निशाना बनाया। सो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक जरूर देखें और अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबा दें। नंबर 1, कैटरीना कैफ। कैटरीना कैफ बॉलीवुड की मोस्ट फेमस और टॉप क्लास अदाकारा हैं, जिनके फैंस दुनिया भर में मौजूद हैं। 2005 में कैटरीना कैफ कोलकाता में दुर्गा पूजा के लिए गईं। जब ये बात लोगों को पता चली कि उनके यहाँ कैटरीना आई है तो वहाँ पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। उसी दौरान कैटरीना ने जब वहाँ से निकलने की कोशिश की तो एक लड़के ने पीछे से उनकी बॉडी को टच कर दिया, जिस पर कैटरीना को काफी गुस्सा आया और किसी तरह से वहाँ से जान बचाकर निकल आईं। इसी तरह और भी कई जगहों पर कैटरीना के साथ ऐसे वाकयात पेश आ चुके हैं। हालांकि एक मरतबा वो सलमान खान के साथ एक शो पर जा रही थी जहाँ भीड़ में किसी ने उनके प्राइवेट पार्ट्स को टच कर दिया था। नंबर 2, सुष्मिता सेन। सुष्मिता सेन बॉलीवुड की एक हॉट और खूबसूरत अदाकारा हैं, जो कि मिस वर्ल्ड के साथ साथ मिस यूनिवर्स का खिताब भी जीत चुकी हैं। 2011 में सुष्मिता सेन एक ज्वेलरी स्टोर के इनॉगरेशन के लिए गईं। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन जब वो वापस जाने के लिए स्टोर से बाहर निकली तो वहाँ लोगों की एक भीड़ जमा हो चुकी थी। इससे पहले कि वो अपनी कार तक पहुंच पाती, क्राउड में किसी आदमी ने उनके प्राइवेट पार्ट्स को पकड़ लिया। इसी तरह एक मरतबा अवार्ड शो के दौरान एक 15 साल लड़के ने सुष्मिता सेन को पीछे से मोलेस्ट करने की कोशिश की, लेकिन जब दूसरी मरतबा उसने दोबारा हाथ बढ़ाया तो सुष्मिता ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे साइड पर ले गयी, जहाँ उसने माफी भी मांगी। सो मेनी टाइम्स पीपल थिंक कि आपको क्या मालूम औरतों के साथ क्या होता है हमारे देश में, आपके साथ तो बॉडीगार्ड घूमते हैं, आपके साथ यू हैव गॉट ऑल दीज अदर फैसिलिटीज टू प्रोटेक्ट यू। लेट मी टेल यू दैट वेयर यू आर ईफ टीज्ड बाय टू पीपल, वी एज वुमेन इन द पब्लिक आई इवन विद 10 बॉडीगार्ड्स आर डीलिंग विद हंड्रेड्स ऑफ मेन दैट हैव ऑफन मैनेज्ड टू मिसबिहेव विद अस। द लास्ट टाइम दैट हैपेंड वाज 6 months अगो। आई वाज एट एन अवार्ड फंक्शन, यू गाइस वर देयर एज वेल। 15-year-old boy, 15, and because इतने सारे आदमी थे उसे लगा मुझे पता नहीं चलेगा कौन था। But this is why I tell you guys, do some, learn something of self-defense, it makes you very alert. So I grabbed his hand and I was so shocked when I pulled him up that he was a little boy, he was 15 years old. But because it was a 15-year-old boy, I grabbed him by his neck as if I was saying hello to him. I took him for a walk. सारे भीड़ में आप लोग भी खड़े थे वहाँ पर, मैं उसको से पकड़ के लेके गई और रास्ते में बोला that if I make a hue and cry about this right now, your life will be over, बच्चा। नंबर 3, जरीन खान। जरीन खान का शुमार बॉलीवुड की खूबसूरत तरीन अदाकाराओं में होता है, जहां उन्हें कैटरीना कैफ की फोटोकॉपी भी कहा जाता है। जरीन खान ने अपने करियर का आगाज सलमान खान के साथ फिल्म वीर से किया था।
दिसंबर 2018 में जरीन खान औरंगाबाद में एक शॉपिंग मॉल के इफ्तिताही तकरीब के लिए गई थी, लेकिन मॉल के बाहर लोगों का एक बड़ा हुजूम जमा हो गया। जब जरीन अपनी गाड़ी में बैठने के लिए मॉल से बाहर निकली तो उसी दौरान जरीन खान को किसी ने पीछे से छेड़ दिया, जिस पर जरीन को काफी गुस्सा आया और उन्होंने फौरी तौर पर पीछे मुड़कर उस आदमी पर थप्पड़ों की बौछार कर दी और फिर बाद में लोगों ने भी उस आदमी की अच्छी खासी दुर्गत बनाई। दो दिन पहले मैं औरंगाबाद में एक मोबाइल फोन स्टोर के लॉन्च में गई थी। वहाँ पे बहुत ही ज्यादा 5,000 लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई थी, जो कंट्रोल नहीं हो रही थी पुलिस के आने पे भी। ये भी वो थप्पड़ इसलिए था क्योंकि लोग वहाँ पे जो क्राउड का फायदा उठा के मुझे इनअप्रोप्रिएटली छूने की कोशिश कर रहे थे। एंड मैं कोई ऐसी लड़की नहीं हूँ कि डर के चुप के रोना शुरू करूंगी। मैं आई टुक मैटर्स इन हैंड एंड डिसाइडेड टू बी द पर्सन। नंबर 4, सोनाक्षी सिन्हा। सोनाक्षी सिन्हा जिसने दबंग जैसे सुपरहिट फिल्मों से शोहरत हासिल की, 2010 में सोनाक्षी ने एक शो में शिरकत की जहाँ भीड़ के अंदर कुछ मर्दों का एक ग्रुप था जो कि बार बार सोनाक्षी को छेड़ रहा था। इसी तरह 2013 में वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई दोबारा के रिलीज होने से पहले अक्षय कुमार और सोनाक्षी सिन्हा अजमेर शरीफ में हाजिरी देने के लिए गए, लेकिन वहां भी लोगों का एक बहुत बड़ा हुजूम जमा हो गया जिसमें कुछ लड़कों ने सोनाक्षी को छेड़ना शुरू कर दिया, लेकिन अक्षय कुमार ने सोनाक्षी को कवर किया और बड़ी मुश्किल से इस भीड़ से निकाल कर गाड़ी में बिठाया। नंबर 5, बिपाशा बासु। बिपाशा बासु जो कि अपनी हॉटनेस और अट्रैक्शन की वजह से मशहूर हैं। 2003 में जब वो जॉन अब्राहम को डेट कर रही थी तो जॉन के साथ वो 28 फरवरी 2003 की रात बारिश एंजॉय करने के लिए अपने बंगले से बाहर रोड पर निकले और जॉन उनके लिए कुछ खाने पीने के लिए लाने गए। उसी दौरान वहाँ एक आदमी आया जिसने बिपाशा बासु के प्राइवेट पार्ट को जोर से दबा दिया। जब बिपाशा बासु जोर से चिल्लाई तो जॉन ने देखकर उस आदमी का पीछा किया, लेकिन वो कहीं पर छुप गया। इस इंसिडेंट के बारे में बिपाशा ने खुद मीडिया को बताया था। नंबर 6, सोनम कपूर। सोनम कपूर बॉलीवुड की वन ऑफ द हाईएस्ट पेड अदाकारा हैं, जो कि मशहूर अदाकार अनिल कपूर की बेटी हैं। साल 2013 में सोनम ने फिल्म रांझना में काम किया जिसमें वो साउथ इंडियन एक्टर धनुष के साथ नजर आईं। इसी फिल्म के प्रमोशन के लिए उन्हें एक लोकल सिनेमा में जाना था जहां लोग जमा हो गए और कुछ लोगों ने उन्हें छेड़ना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से धनुष ने उन्हें पीछे से कवर किया और फौरन भीड़ से निकाल कर गाड़ी में बिठा दिया। नंबर 7, ईशा देओल। ईशा देओल बॉलीवुड की एक एक्ट्रेस होने के साथ साथ मशहूर अदाकार सनी देओल और बॉबी देओल की बहन भी हैं। 11 अगस्त 2005 को वो ई स्क्वेयर मॉल के प्रीमियर पर गईं, जहां लोगों का एक बड़ा हुजूम था। वहीं पर एक आदमी ने करीब होकर ईशा के ऊपर चढ़ने की कोशिश की, जिस पर ईशा देओल ने इस आदमी को जोरदार थप्पड़ मारा और वहां से चली गईं। नंबर 8, काजल अग्रवाल। काजल अग्रवाल साउथ इंडियन फिल्मों की एक बहुत ही खूबसूरत अदाकारा है जो की कई सुपरहिट फिल्मों में काम कर चुकी है। इसी तरह काजल अग्रवाल को भी कई मर्तबा मोलेस्ट करने की कोशिश की गई है। हाल ही में वो एक मॉल की इफ्तिताही तकरीब में शिरकत के लिए गईं, जहां पर उन्हें काफी मोलेस्ट किया गया। तो नासरीन, अब तक के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो काफी पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और मजीद ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबा दें ताकि